अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स. आफ्टर द कैरेक्टरिस्टिक्स दे आर टॉकिंग अबाउट अ निश. टाइप्स ऑफ निश की बात की गई है. एक बायोम के बारे में है. बायोम का एक डायग्राम दिया हुआ है. जब मैं यहाँ पे आई तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था. और मैं सबको ये बोलूंगी कि ये क्लास जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ मेमोरी टेक्निक्स नहीं है, इसके अलावा तुमको साइकोलॉजी और हमारे जो लैकुनास रहते हैं, आप कहाँ पे लैक कर रहे हैं, ये भी खरंच होऊ शकतं. आपण जर माइंडसेट केलं तर ते मी 10 मिनिटांमध्ये केलं तर माझे 22 ते 25 पेज लर्न झाले पूर्ण बाय हार्ट. मेरी पढ़ाई खत्म हो चुकी है और क्यूरियोसिटी नहीं है पढ़ने की, लेकिन सर की वजह से और इस सेमिनार की वजह से मुझ में क्यूरियोसिटी आई. नो आई कैन डू इट. किससे बनते हैं, क्या है उसका और इंट्रोडक्शन है अगली पेज पर. पहले इंडेक्स क्वेश्चन है, उसके नीचे फिर एसिड बेसिस इन लेबोरेटरी है, उसके नीचे एक्टिविटी है. उस एक्टिविटी जो भी पढ़ा मुझे अगले 4-5 दिन के बाद भी मैंने वो मीन्स याद करने की कोशिश किया तो मुझे ऐसा मैं अपना विजुअलाइजेशन करके सब पूरा बोल दिया. 24 आवर्स में मैं जो तैयारी करता था वो मैं 1 आवर्स में कर सकता हूँ. सॉफ्टवेयर तो चेंज किया, पूरा वायरिंग चेंज कर दिया थे. जितने भी लोग कॉन्टेक्ट में आएंगे उन सबसे कहूंगा definition of every particle attracts every other particle of matter with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. And फिर उसके नीचे दिया है उसका masses m1 and m2.